आशिया की सबसे लंबी टनल है और ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टनल है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस टनल का देखने का आज सौभाग्य मिला है। पिछले बार कार्यक्रम के निमित्त कोविड के कारण मैं नहीं आ पाया था। बहुत अच्छी टनल बनी हुई है और ये रास्ता आगे से लद्दाख और लेह तक जाता है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अंदाजन मैंने जो सुना है कि यहाँ से 28 से 32 घंटे लद्दाख लेह को जाने के लिए लगते हैं। हम लोग इसमें से ये टनल के बाद 8 दिन पहले ही मेरे यहाँ मीटिंग हुई थी, जिसमें डिफेंस के भी अधिकारी उपस्थित थे और विशेष रूप से हमारे मिलिट्री के भी प्रमुख अधिकारी और बीआरओ के भी अधिकारी उपस्थित थे। इसमें जो शिंकुला ये जो टनल थी, इसके बारे में दो अल्टरनेटिव आए थे। जो हमारी NHIDCL जो हमने बनाई है हिल एरिया के लिए, उन्होंने जो अलाइनमेंट दी थी वो करीब 12 किलोमीटर की थी और जो दूसरी अलाइनमेंट थी वो 4.25 किलोमीटर की थी। तो दोनों अलाइनमेंट का प्रेजेंटेशन होने के बाद और सबका सुनने के बाद हमने निर्णय किया है कि 4.25 की जो अलाइनमेंट BRO ने सुझाई थी उसको हमने फाइनल किया है और उसका DPR बनाने का आदेश दे दिया है। तो उसका काम नजदीक के समय में निश्चित रूप से जल्द शुरू हो जाएगा। ये टनल के कारण 4 घंटे बच गए, तो धीरे धीरे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग लद्दाख लेह तक का पूरे रोड पर आगे भी एक लेह रूट जो है उसमें एक टनल है 12 लाखला, तो ये भी एक टनल है और बाद में टोंगला, ये भी और फिर नाकुरला नकीला, तो ये एक है 14, एक है लेह रूट जो है इसमें ये टोटल 18 वर्ष, ये जो है ये 12 वर्ष में हो जाएगा। तो ये हम लोग धीरे धीरे ये टनल भी निर्माण करेंगे, इसके भी बारे में पहले ये टनल का काम शुरू करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा जहाँ तक है वहाँ ये जो है निसर्गरम्य परिसर है, ये दुनिया में स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छा उसका बनेगा। और मैंने आज मुख्यमंत्री जी को ये अनुरोध किया है कि रोड बनने के बाद नेचुरली टूरिज्म बढ़ेगा, रिसॉर्ट होंगे वहाँ, रोड साइड एमिनिटीज़ होंगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे, ये बर्फ पर जो खेल होते हैं वो होंगे, पैराग्लाइडिंग, अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के, जिससे देश भर के नहीं तो वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ आएंगे, इतना ही अच्छा स्पॉट है। तो हिमाचल में भी हम लोग लगातार NHAI से काम कर रहे हैं। टोटल हम लोग 19 टनल हम बना रहे हैं हिमाचल में, सबसे ज़्यादा टनल हिमाचल में बना रहे हैं। और ये टनल में से आज एक टनल का जो रोड का उद्घाटन है उसमें एक होगी, तो 8 टनल जो है उसका वर्क इन प्रोग्रेस है और करीब 11 टनल हम लोग अभी आने वाले साल भर में अवार्ड करेंगे। तो टनल बनने के कारण यहाँ जो यातायात में काफ़ी सुविधा आएगी और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी यही सबसे बड़ी समस्या है। इतना सुंदर परिसर है, इतना सुंदर प्रदेश है कि दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। और टूरिस्ट, ये टूरिज़्म ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से 49% जो कुछ खर्चा होता है वो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होता है। तो हिमाचल के युवाओं को रोज़गार मिले, यही भारत सरकार की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है। और निश्चित रूप से ये टनल जो बन रही है इससे टूरिज़्म बढ़ेगा, नया भाग खुलेगा और वहाँ के डेवलपमेंट का प्लान इंटरनेशनल कंसल्टेंट की सलाह से उसका एक अर्बन प्लानिंग हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार करे, ऐसा भी मैंने उनसे अनुरोध किया है। हम रोड बनाएंगे तो जगह की कीमत एकदम बढ़ जाती है, तो रोड बनाने के पहले ही प्लान हो जाएगा और सरकार वो अपनी ज़मीन को डेवलप करेगी तो सरकार को भी ये रेवेन्यू का बड़ा सोर्स होगा। तो करीब 19 टनल हिमाचल प्रदेश में बना रहे हैं और इसके बाद ये जो 4 टनल है उसमें से एक जो टनल है जिसके बारे में मैंने अभी आपको शिंकुला का बता दिया कि जिसका हमने क्लियरेंस किया है, बाकी 3 टनल या 4 टनल BRO को ही देंगे क्योंकि आगे की 4 टनल बनाने का काम BRO का है। तो वही एरिया स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो काम BRO को देंगे। और ये जो हमारी जो टनल्स है 19,
उसमें से 8 टनल का काम चालू और 11 टनल का हम जल्दी करेंगे। तो 19 और 4 ऐसी 23 टनल हिमाचल में बनेगी। तो ये जो एक टनल अभी आज बनाई है बीआरओ ने, आगे के 3 टनल का भी धीरे धीरे हम उन्हीं को काम सौंपेंगे। एक का भी डीपीआर जो है उसका तुरंत हमने मान्यता दे दी है, वो बन जाएगा। और आगे भी 2 के बारे में भी जल्द से जल्द हम बीआरओ के बारे में चर्चा करके उसका भी निर्णय फाइनल करेंगे। केवल टनल के बारे में मुझे आपको बताना था, बाकी हमारे पूरे देश में हम जो टनल बना रहे हैं वो करीब 2